देखो दोस्तों, यह है एसी की फैन असेंबली जिसको पॉइंट बाय पॉइंट प्रेशर बढ़ता है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती आगे वीडियो में जाना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके कार लालसन में एक बार फिर से। तो यह है वेगनार के सीरीज और ये हमारे इस बाइक की गाड़ी है और ये भाई मैकेनिक है, हमारा भाई मैकेनिक है बट ये बाइक मैकेनिक है और ये हमारे स्टाफ का आदमी है, सी समझ रहा है ना। तो दोस्तों अब ये भाई पता किस चीज़ से परेशान है इस गाड़ी में, ये भाई है ना एसी को सिर्फ एक पॉइंट पर चलाता है। ये भाई पिछले दो दिन से एसी को एक पॉइंट पर चला रहा है क्योंकि इसको तीन और चार पॉइंट पर अगर चला देना तो इतनी भयंकर आवाज़ कर रही है गाड़ी की, गाड़ी में मान के चलो चलाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कोई चीज़ टूटने वाली। देखो मैं आपको सुना देता हूँ आवाज़, क्योंकि हमने शीशे बंद करा है, क्लियर आवाज़ आएगी, सुन सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिए। और सुना दूं मैं, अब ये देखो एसी का पॉइंट कम किया, ये आवाज़ बंद हो जाएगी। ये देखो दो पे हल्की आ रही है, चार पे फुल आवाज़ है, ऐसा पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है और बहुत भयंकर आवाज़ आ रही है और भाई हो चुका है परेशान। जबकि भाई ने है ना ये मान के चलो एसी का फिल्टर भी साफ कर लिया ना, कर लिया साफ है ना, भाई ने एसी का फिल्टर भी साफ कर लिया फिर भी आवाज आ रही है। अब भाई यूँ बोल रहा है चाहे इसमें 2000 लगो चाहे इसमें 3000 लगो लेकिन मेरे को ये आवाज़ बंद चाहिए क्योंकि गाड़ी नहीं चलाई जा रही है ना, ये आवाज़ बंद चाहिए ना। और मैं देखो आप लोगों के सामने वीडियो में बोल रहा हूँ भाई से कि इसमें कोई 2000 नहीं लगेंगे, कोई 3000 नहीं लगेंगे, इसमें मान के चलो एक तरीके अगर मैं मजदूरी लेता हूँ तो 200 रुपये की मजदूरी लगेगी बस, और कोई पैसा नहीं लगेगा इस काम में। मैं इस भाई के मुंह पे बोल रहा हूँ मजदूरी सिर्फ 200 रुपये लगेंगे, जबकि ये भाई मेरे से यूँ बोल रहा है कि चाहे 2000 लग जाए चाहे 3000 लग जाए ये आवाज़ मेट के दे और मैं जा रहा हूँ। गाड़ी मेरे पास छोड़ के जा रहा था ना भाई, हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल अभी छोड़। तो अब ये भाई तो जा रहा है लेकिन इसको मैंने पहले ही बोल दिया कि इतना पैसा नहीं लगा, बहुत कम पैसा लगा और ये वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखो ये वीडियो मैं बहुत सारी गाड़ियों की डाल चुका हूँ सेम यही प्रॉब्लम की, लेकिन ये होता है जिस गाड़ी की मैं एक बार बना देता हूँ उसकी दोबारा वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए वेगनार की बना रहा हूँ तो दोबारा वेगनार की नहीं बनेगी चाहे मैं 500 गाड़ी की आवाज़ बंद कर दूँ। इसलिए दिखाता हूँ आपको, देखो ये आवाज़ किस चीज़ में से है, बहुत भयंकर आवाज़ है और बहुत ही ईजी वे में सोल्व होती है ये आवाज़। तो चलो करते हैं सोल्व, मैं उजाल ले आता हूँ, क्या खोलना है वो भी दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊँ ताकि आप लोग घर पर कर सको। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। देखो वैसे तो है ना मैं टूल भी ले आया था लेकिन मेरे को ये मालूम है कि भैया ये टूल किसी के पास होगा नहीं, तो इससे आप लोग भी कंफ्यूज हो सके जो घर पे करने से आप लोग डरेंगे। तो ये टूल को तो हम कर देते हैं बंद, सिर्फ ये एक छोटा सा पेचकस, और ये पेचकस भी मैं देखो ये बिल्कुल ख़राब हो रहा है, ख़राब बिल्कुल एकदम छोटा सा मिनी पेचकस लेके आया हूँ, इसी से सारा काम हो जाएगा। अब ये मैं क्यों लाया ताकि आप लोगों को भी ऐसा ना लगे कि यार कोई अच्छा टूल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके स्क्रू आते हैं ना उनके अंदर जो चूड़ी होती है ना वो प्लास्टिक के अंदर ही होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइट नहीं होते हैं। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, इसे यूँ पकड़ के नीचे खींचना है और एक इसका यहाँ से दबाकर, ये देखो ये हमने इसको दबा के यूँ किया और ज़ोर से यूँ खींचा निकल गया। ये कहाँ से निकला है, ये इसकी दोनों डाटे हैं ना इसके अंदर बैठी होती हैं, ठीक है। अब इसको तो अलग हटा के रख देते हैं हम, ठीक अलग हटा दिया। अब आपको करना क्या है, देखो आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखो मैं दिखा दूँ, एक स्क्रू ये रहा, एक स्क्रू देखो ये वायर है ना, देखो ये वायर है इनके यहाँ पर है, मैं हल्का हल्का ढीला भी कर चुका हूँ मैं आपको बता दूँ, और एक स्क्रू है ना यहाँ पे दिखाई नहीं देगा लेकिन इसके पीछे है जो आपको अंदाजे से खोलना, जैसे मैं देखो ये खोल लेता हूँ मैं, देखो ये देखो ये आप खुद इजी वे में घर पे कर सकते हो, देखो ये आ गया स्क्रू मेरे हाथ में, ये देखो ये रहा, ये देखो ये स्क्रू मैंने खोल दिया और अब मैं खोल रहा हूँ दूसरा स्क्रू है ना। आप देखना है जो नॉइज प्रॉब्लम है ना और चूहा है ना, देखो 99% जो है ना कचरा कागज वगैरह है ना उनको ले जाकर यहीं पे रखते हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर आपकी गाड़ी में चूहा मर गया उसकी बदबू आ रही है तो वो भी 99% इसी जगह पे मिलेगा, और उसका रीजन मैं बताऊं क्यों है भाई, वो 99% यहाँ पर क्यों मिलेगा, उसका रीजन ये है कि फैन है ना बहुत तेजी से घूमता है, वो मैं घुमाकर भी दिखाऊंगा आपको। देखो अभी एक सेकेंड, ए मैटिंग लगी हुई है इसलिए ये स्क्रू थोड़ा नाटक कर रहा है खुलने में, वैसे खुलेगा जरूर टेंशन मत लो। ये देखो एक मिनट इसको हल्का सा चिपका देते हैं ताकि बैठ जाए और हमारा स्क्रू आसानी से खुल जाए, ये देखो ये आ गया स्क्रू, और ये एक स्क्रू अपन ने ये खोल लिया। अब तीनों स्क्रू खोलने के बाद में करना क्या है, इसको पकड़ के नीचे खींचना है बस, ये नीचे खींच लिया है ना। अब देखो इसमें देखो ये फूल फंस रहा है, ये क्या है ये पता नहीं क्या है, ये देखो ये मक्का का टुकड़ा है, ये देखो अब ये मक्का का टुकड़ा क्या होता है, इसमें यहाँ पर अलग गया ना
तो इसका क्या अलाइनमेंट, जो अपन टायरों का करवाते ना अलाइनमेंट, वो इसका आउट हो जाता है। अब इसका अलाइनमेंट आउट होने का मतलब है ये बहुत तेज वाइब्रेट करके चलेगा, जिससे गाड़ी में ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ यानी गाड़ी में कोई टूटने वाली है कोई ना कोई चीज़। अब जिसका अलाइनमेंट आउट होता है ये वाइब्रेट करता है। अब देखो, अब अगर मान लीजिए चूहे का मैं बता दूँ आपको, देखो यही वीडियो सेम प्रोसेस है ना मारुति अल्टो की है, जो वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है, लेकिन ये वेगनार है इसलिए इसका अलग से बना रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। वैसे मैं बता दूँ ज़्यादातर गाड़ियों का सेम प्रोसेस है ये निकालने का मोटर। अब सिर्फ ये छोटी सी चीज़ के चक्कर में आपसे कई बार मोटर चार्ज ले लिया जाता है, भैया इसकी फ़ैन की मोटर डलेगी, इसमें मोटा पैसा लगेगा, गाड़ी जब जाकर आवाज़ साइलेंट होगी। और आप लोग कई बार होता है कि यार भैया बस आप तो आवाज़, जैसे ये कस्टमर है, ये कस्टमर मेरे को यूँ बोल रहा था, जबकि मैकेनिक है ये भाई, बाइक मैकेनिक है, और ये भाई मेरे से यूँ बोल के गया है। शुरू में आते इसने जो बोला है ना वो डायलॉग मैं बता रहा हूँ, इसका क्या था कि यार भले ही 2-3 हज़ार लग जाए लेकिन ये आवाज़ साइलेंट हो जानी चाहिए। इसका मतलब है इस भाई ने और कहीं भी चेक कराया तो उन्होंने इसको इतना ही खर्चा बताया, और मैंने इसको खोलने से पहले बोल दिया भैया 200 रुपये का खर्चा है। देखो ये चीज़ें मैं बता दूँ आपको, अगर ये चीज़ों में कोई भी चीज़ अड़ जाए तो बहुत तेज घूमती है मोटर। और एक हाँ वो बात बताना भूल गया, जैसे चूहा मर जाए तो चूहा मैं बता दूँ, देखो यहीं पर आके क्यों मरता है, यहीं पर आके मरता है इसलिए है क्योंकि चूहा क्या है, इसमें अंदर आके इसके बगल बगल में आके बैठ जाता है, इसके अगल बगल में आके बैठ जाता है। और आके बैठने के बाद में क्या होता है कि जैसे अपन अचानक एसी ऑन करते हैं तो ये पंखा काफी तेज स्पीड में घूमता है, जिससे चूहा या तो इसके अगल बगल में दबके मर जाता है और यहीं पर सड़ता है। इसीलिए ज्यादातर चूहा यहीं पर मिलेगा, क्योंकि बाकी की जो जगह है ना इसकी सर्कुलेशन की, जहाँ पे हवा भेजता है, वो सारी एरिए के अंदर पोली जगह होती है, खोखला पाइप होता है, उसमें कहीं भी चूहे को मरने की कोई चांस नहीं है। इसलिए हमेशा चूहा बदबू आए तो ये फैन खोलो और इसमें से चूहे को निकाल के फेंक दो, बदबू खत्म, कोई मैकेनिक के जाने की जरूरत नहीं है। बस ये है, ये चीज़ आप लोगों को पता नहीं है और मैकेनिक बताना चाहते नहीं है, क्योंकि वो बताएंगे तो उन्हें नुकसान होगा। और इतना ईजी है, जैसे मैंने दिखाया था वो कितना ईजी है खोलना करना, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को नहीं बताते, आप लोगों को डरा के रखते हैं, अरे सर जी नहीं आप घर पर नहीं कर सकते, सर मोटर खोलोगे मोटर के सेटिंग आउट हो जाएगी, पंखा खराब हो जाएगा, 5-7 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो आप लोग डर के वजह से ये सारे काम को घर पर नहीं कर पाते हो, जबकि आसान इतना है दोस्तों, क्या बताऊं कि अगर मैं किसी बच्चे को भी बोलूं तो वो खोल के आराम से खुद कर सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं अगर ये मोटर भी चेंज करने की बात आ जाए ना, तो देखो इसमें क्या है, ये बस आना है, अब ये शॉकेट हटाना है बस, ये तार का देखो ये पिन है, इसको दबानी है और ये निकल जाएगा बाहर। तो चलो मैं एक मिनट, देखो मेरी चाय आ चुकी है दोस्तों, मैं चाय पी लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसको मोटर को आपको चला के दिखाऊंगा। देखो मोटर कितनी तेज घूमती है एक पॉइंट एसी ऑन करने पर ही, एक पॉइंट पर ही। देखो रुको मैं एक बार दिखाई देता हूँ, चाय वाय को पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप लोगों की वीडियो तैयार कर लेते हैं, चाय का क्या है अभी पी लेंगे। ये मैं चाबी ऑन कर लेता हूँ एक सेकेंड, अब देखना आप लोग, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑन करूँगा एसी का, है ना, ये जैसे कि देखो ये देखो चौथा पॉइंट करूँगा, बहुत तेज़ घूमा देखना, ये देखो इतना तेज है कि आप हवा अगर आप फील कर पाते ना, इसकी आवाज़ सुन लो आप, चार पॉइंट पर आवाज़ सुनो आप, ये देखो ये है। तो ये फिरता है और इसमें कोई भी चीज़ फंस गई तो इसका अलाइनमेंट आउट होने की वजह से बहुत तेज़ वाइब्रेट देता है। तो चलो मैं चाय पी लेता हूँ, फिर बाकी वीडियो कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, तो देखो इसकी और भी मैं डिटेल आपको इसी वीडियो में दे देता हूँ, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़्यादा डिटेल देना, ज़्यादा वीडियो बनाने में थोड़ा वो हो जाता है। अब एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपकी एसी की ये जैसे है ना, यहाँ से फ़ैन में से हवा स्लो आने लग जाए, जैसे मान लीजिए आप चार पॉइंट पर चला रहे हो फिर भी आपके हवा स्लो आ रही, तो आपको करना क्या है, इसको खोल कर, जैसे मैंने रख रखा है ना, खोलने का प्रोसेस मैं वीडियो दिखाई चुका हूँ, एक एक पॉइंट ऑन करके देखना है, एक पॉइंट पर इतना धीरे चलना चाहिए, देखो एक पॉइंट पर इतना, दूसरे पॉइंट पर इतना, तीसरे पर इतना, चौथे पर इतना, ये चीज़ आपको खोल कर चेक करनी है कि भैया ये पूरा प्रॉपर घूम रहा है या नहीं घूम रहा, मतलब प्रेशर बना रहा है नहीं बना रहा तेज़ी से। अगर ये ठीक है तो आपको सबसे पहले एसी फिल्टर चेक करवाना है, अगर फिर भी अगर आपको हवा यहाँ पर कम आती है एसी में, तो आपको फिर इसकी कूलिंग कोयल है ना उसकी सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि क्या काफ़ी टाइम होने की वजह से कूलिंग कोयल के ऊपर धीरे धीरे डस्ट वगैरह जमने की वजह से उसमें से हवा पास नहीं हो पाती है। तो ये प्रोसेस भी इसी वीडियो में मैं दिखा दूँ, जो कि आप देखो कूलिंग कोयल है ना वो आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि कूलिंग कोयल के लिए पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब हटेगा, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा इस ये वीडियो में, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भैया ये चीज़ आप घर पे कर लोगे दो काम, तो आपको तीसरा काम कूलिंग कोयल है, कूलिंग कोयल की सर्विस है, जिससे आपको कोई कुछ बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये नॉलेज भी मैं इसी में इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। तो देखो कितना ईजी था इसको खोलना,
अब मैं आपको इसको पैक करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, देखो कितनी साइलेंट हो गई, बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़ आ जाएगी। जो वो वाइब्रेट था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो फिटिंग करने का प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा दूँ। अब देखो एक चीज़ और हाँ जरूरी है, जिस अपन ने ये खोला ना इसके बाद में करना क्या, अपने को इसमें हाथ दे के भी चेक करना है एक बार चारों तरफ कि कोई कागज़ या कुछ और फंसा हुआ तो नहीं है इसमें, और भी कुछ आइटम जो चूहों ने ले जा कर रख दिया हो। तो देखो बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फंसाने का क्या, देखो ये डार है ना, अब ये होता है ना भाई क्या पता सेटिंग आउट हो जाए कुछ हो जाए, ये जो है ना ये कुत्ता ये बना हुआ डूंग यानी ये चौकोर सा हिस्सा, ये इसकी इसीलिए होता है ताकि ये कहीं आउट नहीं लगेगी। देखो ये इसको इसमें घुसा लिया, अब करना क्या है ये जो है ना चौकुटा इसको यूँ फंसा देना उसमें, देखो ये फंस गया भाई, देखो स्क्रू भी नहीं लगा और ये अटक चुका है। अब करना क्या है आपने, वो सिंपल सा है, ये स्क्रूओं को लगा देना है बस। ये फैन असेंबली फिट हो चुकी है चंद कुछ सेकंडों में, मिनट भी नहीं लगी, ये देख लो सेकंड ये कंप्लीट हो चुकी है फैन असेंबली। ये तीसरा स्क्रू हम लगाने जा रहे हैं अब पीछे की तरफ का, और ये भी लग गया, ये देखो। अब ये देखो इतने आसान काम होते हैं ये, लेकिन आप लोगों को बताए नहीं जाते। और ये देखो इन स्क्रू पे एक चीज़ और बता दो, देखो ज़्यादा ताकत भी नहीं लगेगी इन पर, क्योंकि इनमें क्या प्लास्टिक के अंदर से चूड़ी आती है, इसलिए इन पर ज़्यादा ताकत भी नहीं लगेगी। तो ये वाला स्क्रू में थोड़ा सा देखने की दिक्कत रहती है, इसलिए इसको अंदाजे से कसना पड़ता है। ये देखो ये लो वो भी आ गया कसाक, और ये रहा तीसरा स्क्रू अपन का, ये लो। मतलब इनमें इतनी खास मतलब वो नहीं आती, ताकत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि इनकी क्या प्लास्टिक के अंदर ही चूड़ी होती है ना, इसलिए इन पर ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ता है, हल्की हल्की ताकत से कसना पड़ता है बस। ये देखो ये लो ये हो गया फिट। अब आपको एसी चला के सुनाता हूँ पहले मैं, और अब मैं आवाज़ में देखो कितना साइलेंट हो गई, देखो बिल्कुल साइलेंट आवाज़। गेट बंद कर लेता हूँ, ये देखो चार पे चल रही है फैन, ये देखो ये आपको हवा का कैसे दिखाऊंगा, हवा आ रही है नहीं आ रही, ये देखो देखो पन्नी देखो, पन्नी देखो कितनी तेज़ जल रही है, फुल पे चल रही है और हवा बिल्कुल साइलेंट और आवाज़ बिल्कुल ख़त्म है। ये देख लो जो ओरिजिनलिटी थी ना वो आ गई गाड़ी में, ये देखो ये देखो। यानी इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपनी गाड़ी की जो है नॉइज प्रॉब्लम है ना अंदर से डैशबोर्ड की, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। अब देखो इसको लगाना है ना कितना आसान है, देखो ये जो दो डाटे हैं ना इसको इसमें लिया फंसा दिया, हल्का हल्का दबा दिया, लॉक होने की वजह से हल्का हल्का तो लॉक हो चुकी है, और कुछ नहीं करना भाई, इसको जोर से ऊपर कर देना, ये हो गया फिट, ये कंप्लीट, ये देखो ये कंप्लीट, पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। ये छोटा सा प्रोसेस था बस, इस चीज़ को आप लोग घर पे कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी प्रोसेस होता है, बस आप लोगों को बताया नहीं जाता, और आप लोगों से यानी कि इसी तरीके से यानी फ्रॉड होने के चांस हो जाते हैं। जैसे ये भाई ने मेरे को आकर बोला ना भैया चाहे 2-3 हज़ार लग जाए लेकिन आवाज़ साइलेंट होनी चाहिए, तभी मेरा दिमाग खनक गया कि इस भाई को किसी ने बताया है, और ये भाई बोल रहा 2-3 दिन से आवाज़ आ रही, मैं एसी को भी एक पॉइंट पे लेकर चला रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा कोई चीज़ टूट ना जाए इसलिए, जबकि ये भाई मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है। आप सोचो इसको भी अगर अगर बनाने की सोच सकते हैं ना तो आप लोग तो कुछ भी नहीं हो, मतलब जिसको नॉलेज है उसको भी ये मान के चलो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इस काम में, तो आप आइडिया लगा सकते हो, इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ और इतनी डिटेल में बातें भी आप लोगों से इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों का प्रोसेस को आप खुद घर पर चेक कर सको और फालतू मोटा पैसा देने से बच सको। तो चलो चलते हैं वीडियो का एंड करते हैं, और अभी मेरी हालत देखाता हूँ मैं, देखो वीडियो बनाने मेरी हालत क्या हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखो ये हमारी हालत हो चुकी है पसीने, ये देखो क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी इतनी भयंकर ही पड़ रही है अभी के टाइम, मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि सर्दी पड़ने लग जाती है, बरसात आती बहुत तेज, और कभी कभार गर्मी भयंकर है। और अभी के टाइम देखो मैंने काम बंद कर रखा है क्योंकि अपनी दुकान पर देखो प्रोग्राम हो रहा है रणथंभौर गणेश जी का, ये देखो टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो अपनी दुकान पे ही होता है हर साल यहीं पे होता है, इसीलिए अपन 3 दिन काम भी नहीं करता हूं मैं, 3 दिन बंद रहता है, जो यात्री आते हैं उनकी सेवा में लगे रहता है पूरा मार्केट वाले, तो अभी के टाइम काम भी बंद है। तो पर ये छोटा काम था लेकिन भाई मैकेनिक ही था इसीलिए इसका काम करना भी थोड़ा ज़रूरी था, और इसको किसी ने अलग चीज़ें बता दी थी। तो चलो चलते हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नॉलेज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों,
और अगर आपकी गाड़ी में एसी कुछ वाइब्रेट की आवाज आ रही है एसी का फैन ऑन करने पे, तो ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया है इसको फॉलो करके आप अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं खुद ही बगैर किसी मैकेनिक के और बगैर कोई एक्स्ट्रा टूल के, सिर्फ एक पेचकश से। तो चलो चलते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो ऐसी कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक के प्रॉफिट की होगी, मतलब आपके फायदे की। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, सबको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इन चीज़ों का पता लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।